वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्लसता क्लासेस के एक और नए क्लास में। आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर सेवन का पार्ट थ्री पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। तो हम लोग ये देखेंगे कि दो फ्रैक्शन इक्वल कब होते हैं और किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड पे मैंने तीन रेक्टेंगल्स बनाए हैं और उसका इसमें मैंने रेक्टेंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट को शेडेड कर दिया। तो हम यहाँ पे 1/2 ले रहे हैं, यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 2 पार्ट ले रहा हूँ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/4। और यहाँ पे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया और 3 पार्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3/6। अगर आप इस वाले को इसके ऊपर रखोगे तो आप देखो कि जो शेडेड पोर्शन यहाँ है वही शेडेड पोर्शन यहाँ भी है, राइट। ये एज इट इज़ यहाँ पे शेडेड है। सिमिलरली इसको जब आप इसके ऊपर रखोगे या इसके ऊपर रखोगे, आप देखो कि ये जो पार्ट शेडेड है यहाँ भी वही पार्ट शेडेड है। तो इस तरह के जब भी फ्रैक्शंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 1/2, 2/4, 3/6, 18/36 ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, राइट। और इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि 1/2 में अगर मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई 2 किया तो हमारा बन गया 2/4। अगर हम दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा 3/6। दोनों में अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बन जाएगा 18/36। तो इस तरह से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएंगे। जैसे कि 1/2 का 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 3/6 है, 18/36 ये सब 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और ये सब कैसे हो रहे हैं, हम ऊपर नीचे सेम नंबर जब मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड 4 पार्ट लिया है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 पार्ट्स लिया है। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है तो हम लिख सकते हैं 4/6 = 2/3। तो यहाँ पे देख रहे हो कि 4/6 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब हमने पहले देखा था तो क्या कहते हैं, हम लोग नंबर्स मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहे थे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बट यहाँ पे क्या है कि ये छोटे हैं, दैट मीन्स कि इसको डिवाइड करके मिल रहा है। तो अगर 4 और 6 में 2 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे तो हमें मिल जाएगा 2/3। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जा रहे हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से हमें मल्टीप्लाई करने से मिलते हैं उसी तरह से डिवाइड करने से भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आप ये देख रहे हो कि ये सारे नंबर्स इक्विवेलेंट नंबर्स है, राइट। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/9 हुआ, यहाँ पे 2 से किया तो 8/10 हुआ, यहाँ पे भी 3 से किया तो 6/27 हुआ। अब आप इसमें ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि पहले नंबर का जो न्यूमरेटर है और जो दूसरे नंबर का जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 9 करेंगे वो बराबर होगा दूसरे नंबर के न्यूमरेटर से और पहले नंबर के डिनोमिनेटर से। तो 3 × 3 ये बराबर होगा, दोनों 9 होंगे। सिमिलरली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई दोनों बराबर होंगे। 4 × 10 दैट इज इक्वल टू 40 एंड 5 × 8 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 40। सिमिलरली इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 27 दैट इज इक्वल टू 54 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 6 दैट इज इक्वल टू 54। तो इस तरह से आप काफ़ी इजी फाइंड आउट होता है। तो इसी पे एक क्वेश्चन भी पूछेगा कि दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दे देंगे और उसमें से एक नंबर हमें फाइंड आउट करना है, उसमें से एक नंबर हमें मिलेगा नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे सॉल्व होता होगा। जो मैंने पढ़ाया उसी को यूज़ करके ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए 6/9 का जिसका न्यूमरेटर 30 हो, राइट। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए जिसका न्यूमरेटर 30 हो, और तो हमें डिनोमिनेटर खुद से ढूंढना होगा। तो अब ये मतलब किसका मतलब ये कि किस नंबर से हम 6 को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। तो चूंकि 30 6 से बड़ा है तो हम वो मतलब कि हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 30 मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमें नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर मिलेगा आपको 45। सिमिलरली 6/9 को बोला जा सकता है कि फाइंड अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 3 है। तो हमें यहाँ पे न्यूमरेटर फाइंड आउट करना है। तो अब 9 से कोई नंबर से या तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तब हमें ये नंबर मिलेगा। तो अब चूंकि ये नंबर दिया हुआ है ये छोटा है
9 से, दैट मीन्स कि इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो किस नंबर से डिवाइड करने पे हमें 3 मिलता है, तो हमें अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, तो उसी तरह से हमें इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2। तो इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन एक्सरसाइज में भी सेम तरह के क्वेश्चन हैं। जैसे हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/9, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ जिसका डिनोमिनेटर 63 होगा। तो मान लो हमें डिनोमिनेटर पता है 63 और न्यूमरेटर नहीं पता है, तो इसको फाइंड आउट करना है हमें। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 × 63 इक्वल टू 9 इंटू ये नंबर, तो ये 2 × 63 इक्वल टू 9 इंटू, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, या मान लेते हैं ए, 9 इंटू ए, राइट। तो अब क्या होगा कि ये हो गया, अब हम दोनों साइड अगर 9 से डिवाइड कर दें तो 2 × 63 डिवाइडेड बाई 9, और यहाँ 9 × a डिवाइडेड बाई 9, ये 9 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ a, और ये 9 से ये होगा तो ये 7 होगा, 7 × 63 तो 7 × 2 = 14, तो ये जो नंबर हो जाएगा हमारा ये 14 हो जाएगा। तो इस तरह से हम काफ़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो मैंने ट्रिक आपको बताया है। हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है दैट इज 36/54, हमें इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है क्या है, 2 है, तो अगर हम इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 27। अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 नहीं है, 3 है, 3 से हम अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, फिर से हम इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब भी कोई फ्रैक्शन होता है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर्स नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम एक एक करके कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका सबसे ईजी तरीका है कि जो ये नंबर है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो, ताकि वो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा और उसे जब डिवाइड करेंगे तो हमें हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचेगा जिससे ये डिवाइड हो सकता है। तो 36 और 24 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 36 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3, और 54 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 × 3। अब कॉमन क्या क्या है, ये कॉमन है और एक ये कॉमन है, इसका एचसीएफ हो गया 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18। तो जब 18 से दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे, 36 और 54 को, दोनों को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 होगा, और जब ये 18 से डिवाइड होगा तो ये होगा 3। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, यहाँ पे भी सिंपलेस्ट फॉर्म। ये थोड़ा टफ मतलब लेंदी प्रोसेस है, ये इजी प्रोसेस है। तो कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है तो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालिए, और उसके बाद उस एचसीएफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और हमें हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा।